9:56 इस वक्त का समय और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से बात की है, जिस तरीके से उनकी मिमिक्री की गई टीएमसी सांसद की ओर से, उसको लेकर फोन पर जगदीप धनखड़ से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साफ तौर पर कहा कि सांसदों का ये व्यवहार वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांसद इस कदर सभापति की नकल करते हैं, इस कदर उपराष्ट्रपति की अवहेलना कर रहे हैं। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनको लेते हैं। यतेंद्र, पीएम ने बात की है धनखड़ से, क्या कुछ बातचीत हुई, कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति धनखड़ से बात की है, और खुद धनखड़ ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, और प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि जो सांसदों की जो घृणित कृत्य है उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया, और ये भी बताया कि जो पवित्र मंदिर परिसर में जो हुआ, संसद परिसर में जो हुआ, वो किसी भी तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है, और इस तरह का अपमान जो उन्होंने किया है वो निंदनीय है, और लेकिन इस तरह का अपमान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस तरह का अपमान उनके साथ लगातार 20 सालों से होता हुआ आ रहा है। इसके बाद धनखड़ ने उनसे कहा कि इस तरह के जो अपमान है वो उनको उनके संवैधानिक कर्तव्यों के आड़े नहीं आ सकते हैं, और वो उन सिद्धांतों के प्रति तहे दिल से प्रतिबद्ध हैं, और कोई भी अपमान उन्हें उनके रास्ता बदलने को मजबूर नहीं कर सकता। इस तरह की बातें दोनों के बीच में हुई है, लेकिन साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के सभापति हैं, चेयरमैन, उनसे बात किया और दुख जाहिर किया है कि जो सांसदों ने किया उसको किसी भी दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता है, और पूरा घृणित कार्य है, और जो पवित्र संसद परिसर है उसमें इस तरह के कृत्य को जायज तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इस तरह का जो अपमान उपराष्ट्रपति का यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन का किया, इस तरह का अपमान वो 20 सालों से सहते आ रहे हैं, यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो उनके अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके ऊपर लगातार कहीं ना कहीं 20 सालों से ज्यादा का समय हो गया, और उनके ऊपर लगातार इसी तरह का उनका अपमान, उनका मजाक उड़ाते रहे। इसके बाद इसके लिए जगदीप धनखड़ की ओर से यह भी कहा गया, क्योंकि एक किसान परिवार से आते हैं, एक जाट परिवार से आते हैं, जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए ये चीजें की गई, और 20 सालों से वो इस अपमान को झेलते आ रहे हैं, अब जाकर उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा है। देखिए बिल्कुल, लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात की, उन्होंने कहा कि 20 सालों से लगातार उनको अपमानित करते आ रहे हैं, और इसके बावजूद भी अपना काम वो लगातार करते आ रहे हैं, और जो कल जो हुआ, जो सभापति को लेकर हुआ, जिस तरह से उनकी नकल उतारी गई, उनका मजाक बनाया गया, वो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में ऐसा हो सकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। जिसके बाद जो राज्यसभा के चेयरमैन ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री, कुछ लोगों की हरकतें मुझे अपना कर्तव्य निभाने और संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोक सकती हैं, और वो तहे दिल से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हालांकि कल भी सभापति ने साफ तौर पर कहा था कि गिरावट की कोई हद होती है, लेकिन सारी हदें क्रॉस कर दी गई हैं। जिस तरह का व्यवहार वहां पर मकर द्वार के पास पर सांसदों ने किया, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ भी इशारा किया था। ठीक है, जो मैं लौट रही हूं आपके पास में, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जो जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया। उन्होंने पोस्ट किया और उस पर लिखा कि मैंने पीएम से बात की है, पीएम ने मुझसे इस पूरे मामले पर बात की फोन पर, क्या लिखा ये आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश में है, मैं इसको आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके भी बता पाऊं। रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पीएम से एक फोन कॉल आता है। ही एक्सप्रेस द ग्रेट पेन ओवर द एब्जेक्ट थ्रेटिक्स ऑफ सम ऑनरेबल एमपीज, उन्होंने दुख जाहिर किया कि कुछ माननीय सांसदों के द्वारा मुझ पर इस तरीके की टिप्पणी की गई, और इसी के साथ में उन्होंने ही टोल्ड मी दैट ही हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ सच इंसल्ट्स फॉर 20 इयर्स। ये भी बताया जगदीप धनखड़ ने पीएम को, 20 सालों से इस अपमान को वो झेल रहे हैं, आज तो सबके सामने आ चुका है, लेकिन 20 सालों से वो ऐसा देख रहे हैं। तो ये तमाम बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं, और वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के अंदर ऐसा कुछ हो और आप उपराष्ट्रपति की इस कदर जो है अवहेलना करते हैं। हमारे साथ यतेंद्र हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, और साथ ही साथ बाकी भी हमारे सहयोगी लाइव बने हुए, लेकिन सबसे पहले मैं यतेंद्र का ही रुख करती हूँ, यतेंद्र का रुख करूंगी, अरुण भी हमारे साथ बने हैं। अरुण, जगदीप धनखड़ को लेकर कुछ किसान भी द्वारिका में बैठ चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए, और कह रहे हैं कि जाट समुदाय की आपने ये अवहेलना की है, 20 सालों से जगदीप धनखड़ ये दुख झेल रहे थे, तो आप सोचिए कि ये जो अवहेलना है तब्दील हो जाएगी वोटों में और फिर खिलाफ चली जाएगी कांग्रेस के, कांग्रेस को ये शायद समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जो आज के उपराष्ट्रपति हैं वो इसके पहले गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, और वहां से लेके यहां तक
कई बार उनको लेकर के इस तरह की टिप्पणी की गई है जिससे विवाद हुए हैं और वो आहत हुए हैं। इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और वो उनकी स्टाइल है, इसी स्टाइल में वो सदन के अंदर राज्यसभा में भी मैंने कितनी बार देखा है कि वो सांसदों का भी अभिवादन करते हैं, फ्लोर लीडर्स का भी अभिवादन करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से पेश किया गया जैसे वो झुक करके अभिवादन कर रहे हो प्रधानमंत्री के सामने, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में वो उनसे ऊपर हैं। और उसको गलत तरीके से पेश किया गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि आजकल तो किसी को नमस्ते करने में भी सोचना पड़ता है। तो ये जाहिर सी बात है उनको लेकर के जाट समाज, हालांकि जाति धर्म से ऊपर हो जाते हैं जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और खुद उपराष्ट्रपति ने कल राज्यसभा में बहुत गहरा दुख प्रकट किया और आज जब प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया तो जाहिर सी बात है उनकी पीड़ा, देसी अंदाज में कुछ आपको अगर व्यवहार कर रहा है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मजाक बनाएंगे। तो मैं आपके पास लौटूंगी अरुण, यतेंद्र का भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बार सुनवा देते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल क्या कुछ कहा था, कैसे उन्होंने अपना दुख जाहिर किया सदन के अंदर। यू यूज ट्विटर ऑफिशियल हैंडल ऑफ द स्पोक्सपर्सन टू डिमीन मी, इंसल्ट मी, इंसल्ट माई बैकग्राउंड एज अ फार्मर, इंसल्ट माई पोजिशन एज अ जाट, इंसल्ट माई पोजिशन एज चेयरमैन। Sir, these are two serious issues. Please go back to your seat. गिरावट की कोई हद होती है? आप सोशल मीडिया पर सदन के अंदर सिर्फ मुझे टारगेट नहीं कर रहे, किसानों को टारगेट कर रहे हैं, जाट समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। यतेंद्र का मैं एक बार रुक करूंगी। यतेंद्र, वाकई में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, और ये जो अभी अरुण भी बता रहे थे ये हमने आज ऑन कैमरा देख लिया, लेकिन जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के तब भी उनके साथ होता रहा, लेकिन तब वो शांत रहे, आज इतने बड़े पद पर बैठे तब भी टीएमसी को ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब भी उनका कई बार अपमान किया गया और कई बार उनका रास्ता भी रोका गया, कि जो कि अमूमन आम तौर पर देखा नहीं जाता है। लेकिन जहां तक 20 साल के अपमान की बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनसे बात की तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 20 सालों से ये विपक्ष के नेता उनका भी अपमान करते आ रहे हैं, और आज उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के चेयरमैन है धनखड़ साहब का भी अपमान किया, वो भी संसद जैसे पवित्र परिसर के अंदर, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, और खासकर विरोध हमेशा से विपक्ष करते रहे, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होता, लेकिन जो कल जो घटना हुई वो बिल्कुल गिरावट के हद तक की थी। और खुद धनखड़ ने साफ तौर पर कहा कि गिरावट की भी कोई हद होती है, वो सारी सीमाएं एक तरह से लांग दी गई। जिस तरह से मकर द्वार पर बैठकर जो कल्याण बनर्जी हैं उन्होंने उनकी मिमिक्री की, उनकी जो भाव भंगिमा है उनकी नकल की, यानी कि एक तरह से जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनका पूरी तरह से मजाक बनाया। और हद तब हो गई जब कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद उन्होंने टोका टोकी नहीं की बल्कि उस पूरे कार्यकलाप का उन्होंने वीडियो बनाया। तो इससे साफ जाहिर है कि काफी पीड़ा उपराष्ट्रपति को, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी उनको हुई, और उन्होंने उस दुख को व्यक्त भी किया। और खुद इसको जब इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तो उन्होंने भी दुख जाहिर किया, दुर्भाग्यपूर्ण बताया, और राज्यसभा के चेयरमैन से बात भी की और साफ तौर पर कहा कि उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर दुख जता सकते हैं, तो वाकई ये घटना शर्मनाक है। लेकिन हम सीधा अरुण का भी रुख करेंगे। अरुण, कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, सांसदों के सस्पेंशन पर तो चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके से ये वाकया पेश आया इस पर भी क्या चर्चा हुई? जरा सा भी सोच विचार इस घटना पर भी किया गया? जरा सी विषम दिखाई दी? देखिए, यही मुश्किल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख को जनता को बताते हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश होनी चाहिए वो दोनों तरफ से दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपने रुख पर अड़ा हुआ है विपक्ष। वो कह रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह आकर के बयान दे, संसद में सुरक्षा के चूक का मामला है। सरकार कह रही है कि लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उन्होंने जांच ऑर्डर कर दी है, नतीजे का इंतजार करना चाहिए। बीच का जो रास्ता होता है कि संसद को चलाया कैसे जाए, देखिए बिना विपक्ष के संसद चल नहीं सकती, ये एक प्रेसिडेंस है, ये एक परंपरा है, तो बातचीत ही से ही हल निकलता है। और दोनों पक्ष बातचीत करने को तैयार नहीं, अपना अपना पक्ष जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने किसी की बॉडी लैंग्वेज, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं या कोई उनके सहयोगी सांसद भी हो, किसी की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप उसकी मिमिक्री करेंगे, उसका उपहास करेंगे, तो ये संसदीय लोकतंत्र के लिए या फिर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को अपोजिशन के भी कई लोग मानते हैं, हालांकि खुल के वो इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अपोजिशन की एकता का सवाल है और सरकार इस मामले पर कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। एकदम साफ है, स्पष्ट है कि जो हंगामा करेगा, प्लेकार्ड दिखाएगा, हल्ला करेगा सदन के अंदर, उसको सस्पेंड करेंगे। तो दोनों की तरफ से रुख में नरमी नहीं नजर आ रही है, इसलिए संसद में विपक्ष के बिना ही संसद चल रही है।